टॉड वडाला की टीम फिल्म को लेकर काफी है उत्साहित। गैंगस्टर की दुनिया पर आधारित फिल्म शूटआउट वडाला जल्द ही पर्दे पर उतरने जा रही है, जिसे लेकर फिल्म के कलाकारों में काफी एक्साइटमेंट देखी गई। आइए सुनते हैं क्या कहना है इनका फिल्म को लेकर। ऑलवेज मेंटेन दैट कि ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म है और मेरे लाइफ में ये एक वास्तव है इन अ वे। अगर वास्तव ने संजय दत्त को एक अलग किस्म का ये दिया है, आई थिंक दिस विल गिव मी अ डिफरेंट, क्योंकि जब ये फिल्म मुझे मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, उस वक्त पे आई वॉज इन श्योर, मुझे भी डर लग रहा था कि क्या जॉन अब्राहम का जो इमेज है, एक दोस्ताना का, देसी बॉयज, धूम, यू नो, अर्बन कूल, यू नो, दैट्स अ बिग चेंज जैसे आपने कहा, बट आई थिंक इट्स अ चेंज फॉर द पॉजिटिव। और एक एक्टर के लाइफ स्पैन में भी एक प्रोग्रेशन हो चुका है इस रोल के साथ। फाइनली तो ऑडियंस ही बताएगी कि हमने काम अच्छा करा है कि नहीं, बट वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड रिलीव्ड। जॉन मान्या के बारे में आप कितना जानते थे? और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक एनकाउंटर के बाद जो इनके बॉडी में 9 बुलेट्स थे, वो एक फोटोग्राफ, लेकिन जो हम सीख सके उस फोटोग्राफ से हमने देख लिया इन टर्म्स ऑफ लुक्स एक्सेट्रा। लेकिन उसके अलावा हमारी बातचीत इसाक भगवान से हुई, जो अनिल कपूर निभा रहे वो कैरेक्टर, और उन्होंने मान्या सुर्वे के बारे में बहुत कुछ बताया एनकाउंटर के पहले, जब इनकी मुलाकात हुई मान्या सुर्वे के साथ। सो हमने बहुत रिसर्च करा इस पर ऑन मान्या सुर्वे। वो एक मुंबई श्री था फॉर एग्जांपल, वो एक बॉडी बिल्डर था, वो इतना टफ था कि पुलिस वाले ये भी कहते थे कि अगर बाई चांस वो एक आर्म्स डिस्टेंस में आ गए तो अगर मान्या ने उनको पकड़ लिया तो शायद चोक करके उनको मार सकते थे। सो ही वॉज़ अ वेरी वेरी टफ गाय, बहुत ही रूथलेस था। उनके कॉलेज स्टूडेंट्स, उनके क्लासमेट्स से हम लोग मिले और सब लोग ने कहा कि उस वक्त पे जब ही 1979 to 1982 व्हेन ही रूल्ड बॉम्बे, उस वक्त पे बॉम्बे था, ही डिड नॉट इवन स्पेयर हिज क्लासमेट्स, मतलब इतना रूथलेस था। और ये फिल्म की खासियत ये है कि हर फिल्म में हम लोग गैंगस्टर्स को ग्लोरीफाई करते हैं, इस फिल्म में हमने कोई गैंगस्टर को ग्लोरीफाई नहीं किया है। वी आर श्योर मान्या सुर्वे एज अ गैंगस्टर एंड ही विल ऑलवेज रिमेन अ गैंगस्टर। और ये बहुत ही एक ट्रू टू लाइफ स्टोरी है, और इंग्लिश में कहावत है कि फैक्ट इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, एंड आई थिंक द सेम होल्ड्स फॉर मान्या सुर्वे। वो उसकी जो स्टोरी थी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ही हैड 12 गैंग मेंबर्स, 12 कॉन्फिडेंट्स अराउंड हिम, और किसी को पता नहीं था उन 4 सालों में कि वो कहाँ रहता है। वो हमेशा एक नाइफ और एक पिस्टल और एक 50 ml का जो एक तेज़ाब की बॉटल थी उसके साथ वो घूमता था। वेरी इंटरेस्टिंग गाय, बहुत ही लिटरेट था, कीर्ति कॉलेज का था, वेरी वेल एडुकेटेड। आई कैन कीप टॉकिंग अबाउट मान्या। जी वो इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अनिल कपूर जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे साथ में, उन्होंने यही कहा कि क्योंकि मैं अपने आप को मान्या सुर्वे के रोल में मतलब बहुत मुश्किल से विजुलाइज कर रहा था, लेकिन जब ही संजय गुप्ता ने ये बात करा था अनिल कपूर के साथ, आई थिंक अनिल कपूर वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड, क्योंकि उन्हें लगा कि फिजिकली मान्या सुर्वे और जॉन अब्राहम बहुत ही सिमिलर थे, क्योंकि वो भी एक मुंबई श्री था, बिल्डर था, टफ था, एंड आई थिंक दैट्स कम अक्रॉस इन द लुक ऑफ द फिल्म। अलग अलग डायमेंशन हैं इन कैरेक्टर्स में, दे नॉट जस्ट गैंगस्टर्स, दे आर रियल पीपल, तो वो दिखाने की कोशिश की हमने शूटर वडाला में। शूटर लोखन वाला आई थिंक वॉज जस्ट अबाउट वन टाइम पीरियड, इट वॉज मोर अबाउट जस्ट द डार्क साइड ऑफ दिस गैंगस्टर्स, एंड इट वॉज जस्ट अबाउट दिस वन शूटर दैट हैपेंड, तो उसके इर्द गिर्द जो हुआ था वो दिखाया गया था। लेकिन ये 71 से लेकर 82 तक क्या क्या हुआ इन मुंबई गैंगस्टर गैंग वॉर्स में, और मान्या सुर्वे के गैंग ने कैसे मुंबई बॉम्बे को उस जमाने में मतलब अपने काबू में कर लिया था, दैट्स व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। सर अगर आप जो इस तरह के लुक है, लुक की बात करो, अगर गैंगस्टर की बात करो, तो जिस तरह से आपने बताया कि रियल दिखाया गया, कोई एक्शन मतलब जिस तरह का आपकी मूवी दिखाया जाता है उस तरह के नहीं दिखाया, प्रॉपर घायल या घातक एक्शन गया, तो आपने किस तरह का अपने आप को प्यार किया? या इस फिल्म का एक्शन जो है वो भी मतलब यू विल नॉट सी अननेसेसरली कार्स फ्लाइंग एंड मतलब कि जो एक अनबिलीवेबल एक्शन होता है, इट्स डेफिनेटली स्टाइलिश बट बहुत बिलीवेबल एक्शन है, जो
मतलब कि आपको ऐसी फिल्मों में घायल घातक में एक्शन दिखाया गया था उससे तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली मतलब कंपेयर करना सही नहीं होगा कि वो 90s की फिल्म थी, ये 2013 की फिल्म होगी. तो ऑफ कोर्स वी हैव अपडेटेड द एक्शन फॉर श्योर, बट यस वो इंटेंसिटी है और अंडरकरंट एक्शन बहुत है. आप सीन्स में भी मतलब चाहे कोई एक्शन हो ना हो लेकिन एक अंडरकरंट जो एक्शन होता है, जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा होगा वहाँ कोई इतना ज़्यादा एक्शन दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन डायलॉग्स में और मतलब जो परफॉर्मेंसेज है उसी में आपको लगेगा कि इस फिल्म में बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एक्शन है, विच इज़ अंडरकरंट. तो मैं जो हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे मैं कभी गया नहीं हूँ, पैसा मेरे पीछे आया और मुझे लगता है आई एम हैप्पी दैट वे. तो ये फिल्म, ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, पहली बार एक मुस्लिम कैरेक्टर कर रहा हूँ, पहली बार एक रियल कैरेक्टर कर रहा हूँ, पहली बार एक सीरियस ड्रामेटिक एक्शन ओरिएंटेड इंस्पेक्टर पुलिस अफसर का रोल कर रहा हूँ इस बार. पहले मैंने इंस्पेक्टर के रोल किए, हमारे कॉमेडी वगैरह ज़्यादा थे, सीरियस रोल पहली बार.